हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम है वकार और आज हम एक यहाँ पर क्विज करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर एग्जाम के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत जल्दी टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन ये बन जाता है टेक्निकल हेल्पर के एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, इस क्विज में देखो आपको रियल टाइम एग्जाम का थोड़ा सा फील आएगा, क्योंकि इस क्विज में हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। मेन एग्जाम की अगर बात करें तो मेन एग्जाम्स के अंदर भी हमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए इतना ही टाइम मिलता है, तो अगर आप अभी से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे विद इन 30 सेकंड्स, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आप एग्जाम में आने वाले सवालों को 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे जिससे कि थोड़ा हमारे लिए आसानी हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। तो चलिए पहले सवाल की यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। देखो एक हमें सर्किट यहाँ पर गिवन है और इस सर्किट के बारे में हमसे ये पूछा गया है कि भाई इस सर्किट के बारे में सत्य कथन कौन सा है, यानी कौन सी चीज़ इस सर्किट के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। सर्किट में क्या किया गया है, 500 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इसके अलावा दो बल्ब, एक बल्ब है 100 वाट का और उसका जो वोल्टेज है वो कितना है 100 वोल्ट, दूसरा बल्ब है 60 वाट का और उसका वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट। दोनों बल्ब हमको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी बल्ब का हमारे पास क्वेश्चन आए, ठीक है, बल्ब के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, तो बल्ब के अंदर देखो तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक तो उस बल्ब की पावर पर, यानी कितने वाट का आपके बल्ब है, एक तो आपको उसकी पावर पर ध्यान देना है। दूसरा उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, दूसरा ध्यान आपको देना है उसके प्रतिरोध पर। और तीसरी बात होती है वोल्टेज, यानी उस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है, वो बल्ब जिस वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसको चालू होने के लिए, उसको पूरा अच्छे से उजाला देने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो क्या वोल्टेज है, इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब देखो हमेशा इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें आपको गिवन होगी। जैसे इस सवाल में मुझे कितने वाट का बल्ब है और उसके अक्रॉस इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो मुझे दी गई है। हो सकता है किसी सवाल में आपको पावर दे दिए जाए, रेजिस्टेंस दे दिया जाए, या फिर किसी सवाल में आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज दे दिया जाए, पावर आपको निकालनी हो, बट तीन में से 100% श्योर है कि दो चीज़ें आपको मिलेगी और इस 100% में से भी 95% ये चांसेस होते हैं कि पावर और वोल्टेज हमें ज़्यादातर दिए गए होते हैं, हमें केवल रेजिस्टेंस निकालना होता है। आई बात समझ में? अब एक बात मुझे पता है कि भाई पावर का फॉर्मूला होता है V² / R। यहाँ से R अगर मैं निकालूँ तो R आ जाएगा V² / P। फॉर एग्जाम्पल इसको आप बोल दीजिए बल्ब 1, इसको आप बोल दीजिए बल्ब 2, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, दोनों को मैंने अलग अलग यहाँ पर बोल दिया, बल्ब 1 बल्ब 2 R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस। चलिए पहले बल्ब 1 का मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ। R1 की वैल्यू क्या होगी, V1² / P1, बल्ब 1 का वोल्टेज और बल्ब 1 की पावर। तो बल्ब 1 का वोल्टेज कितना है 100, तो क्या करूँगा मैं 100 के स्क्वायर मतलब 100 × 100 डिवाइडेड बाय इसकी पावर, पावर यानी अगेन डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कट गया। R1 की जो वैल्यू मुझे मिली वो R1 की वैल्यू कितनी मुझे मिली 100 ओम मिलेगी। चलो अब बात करता हूँ मैं R2 की। R2 में क्या करूँगा, सेकंड वाले बल्ब का वोल्टेज कितना 300, तो 300 × 300 और इसकी पावर कितनी है 60, तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया 60, ये इससे गया 5 बार
तो दूसरे वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस मुझे मिला वो दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 1500 ओम मिल गया। अभी ये मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर एक बार आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और देखो इस तरह के सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो बस कॉन्सेप्ट समझो किस तरह से सवालों को करना है। यहाँ से ये भी सवाल हमारे पास कई बार आया था जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि भाई पहले कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा, कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, तो इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि दो बल्ब आपने लगा दिए तो कौन सा ज़्यादा रोशनी देगा या कौन सा फ्यूज़ होगा, तो वो चीज़ें हम किस तरह डिसाइड करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर एक बार देख लो, फिर तो चाहे कैसा भी सवाल है। कितनी सी देर लगेगी यार वी स्क्वायर अपॉन पी करने में, R1 R2 निकालने में हमें कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम लगे 5-10 सेकंड लगेगी। चलो R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R1 R2 हमने यहाँ पर निकाल लिया, अब देखो जो बल्ब दे रखे हैं ना मैं इनको R1 और R2 से रिप्लेस कर दूंगा, ये तो 100 ओम और ये हो जाएगा 1500 ओम, रिप्लेस कर दिया, और ये जो मेरी बैटरी होगी ये बैटरी कितनी होगी 500 वोल्ट, ठीक है। अब देखो बात करें अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज की और इसके अक्रॉस वोल्ट, देखो 300 वोल्ट तो उसकी वोल्टेज रेटिंग दी गई है, बट जब हमने उसको सर्किट में कनेक्ट किया तो सर्किट की वजह से कितना वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगा वो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। 300 वोल्ट तो क्या है उसकी रेटिंग है, उसकी क्या है रेटिंग है, बनाने वाले ने फिक्स कर दी उसकी रेटिंग, बट आप जिस सर्किट में उस बल्ब को लगाएंगे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने 100 वोल्ट के सर्किट में लगाया तो उस हिसाब से वोल्टेज इसके सामने आएगा, 500 में लगाया तो उस हिसाब से इसके सामने आएगा, 300 तो डिसाइड कर दी भाई बनाने वाले ने कि इतने वोल्टेज पर ये काम करेगा। अगर उसको 300 मिल रहा है तो वो बराबर काम करेगा, 300 से कम मिल रहा है तो थोड़ा कम जलेगा, 300 से ज़्यादा अगर वो मिल रहा है तो हो सकता है कि वो फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, वो ब्लास्ट हो सकता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस 500 में से ये जो दूसरा वाला बल्ब है और ये जो पहला वाला बल्ब है इनके अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। तो चलो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में देख रहा हूँ, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो देखो क्या होगा, कोई भी अगर हमें इस तरह से वोल्टेज दिया गया होता है और दो आपके रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो किस तरह से आप वोल्टेज ड्रॉप निकालते हो, कुल वोल्टेज गुणा जिसका आपको वोल्टेज निकालना है डिवाइडेड बाय 100 और इन दोनों रेजिस्टेंस का सम 100 प्लस 1500, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 500 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 1600, दो जीरो से दो जीरो गई, 500 डिवाइडेड बाय 1600 ये आएगी 30, आई थिंक ये कुछ 32 वोल्ट, 32 भी नहीं आएगी, 480 16 कुछ 31.25 वोल्ट के या 31.50 वोल्ट के आसपास के आपके पास ये कुछ वैल्यू आएगी, मतलब बहुत कम ये वैल्यू आपके सामने मिलेगी, आई थिंक ये 31.25 ही आएगी करेक्टली अगर मैं देखूँ 16-20, ठीक है, हाँ 31.25 वोल्टेज की आपके सामने ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज 31.25 और आपको पता है कि भाई KVL से पूरे के एक पूरे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या रहता, बराबर रहता, तो ये 500 इसके अक्रॉस होगा और इसके अक्रॉस होगा, दोनों का अक्रॉस मिला के होगा। अगर इसके अक्रॉस 31 हो गया तो इसका अक्रॉस कितना हो जाएगा, 500 माइनस 31.25 कुछ ये 468.75 वोल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर इस बात को समझो कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना है, 468.75 वोल्ट आया। दुकान वाले ने क्या कहा, जो बनाने वाला उसने क्या कहा कि भाई अगर 300 वोल्ट आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया तो ये बराबर काम करेगा, इससे कम लगाया तो बहुत कम उजाला देगा, इससे ज़्यादा लगाया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा। बट जब आपने 500 वोल्ट के सर्किट में इसको लगाया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला आपको, 468.75, होना कितना चाहिए था 300। तो अब क्या होगा कि जो आपका एक सेकेंड वाला बल्ब है, जो आपका ये 60 वाट और 300 वोल्टेज का बल्ब है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। आई बात समझ में किस तरह पूरा प्रोसेस करना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें है ये, एक बार बस हमने सीख लिया।
दो या तीन मिनट जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में लिए है बस इसीलिए लिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सी टोटल तीन स्टेप करनी है, तीन या चार स्टेप करनी है। इसका रेजिस्टेंस निकालो, आई थिंक मतलब इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो वी स्क्वायर अपॉन पी करके इसका निकालो। उसके बाद तो एक सिंपल सर्किट में ये चेंज हो गया, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक 100 ओम का है एक 1500 ओम का है। अब देखो आपको अगर इस तरह आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर इस तरह नहीं आता आपको तो देखो आप और यहाँ पर क्या काम कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको एक और अल्टरनेट बता देता हूँ इस वाले मेथड का, कि भाई अगर किसी भाई को इस चीज़ में दिक्कत है कि कुल अगर 1500 दिया गया है, उसको ये निकालना नहीं आता कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, दूसरे के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। क्या करो, ये टोटल 500 है, ये कितना है 100 प्लस 1500 1600 ओम, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इस सर्किट की करंट निकाल लो। करंट क्या हो जाएगी, वोल्टेज बटे प्रतिरोध, 500 बटे 1600। तो इस सर्किट की करंट कितनी हमें मिली, 5 बटे 16 एम्पियर मिली। अब ये 5 बटे 16 एम्पियर करंट यहां से पूरे से निकलेगी, 5 बटे 16 इसमें से भी जाएगी, 5 बटे 16 इसमें से भी जाएगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज क्या होता है करंट गुणा प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 5 बटे 16 गुणा 1500। क्या हो जाएगा, 5 बटे 16 गुणा 1500, तो जो कुछ वैल्यू आएगी आएगी 7500 डिवाइडेड बाई 16, तो 468.75 वोल्ट ये डायरेक्ट आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से भी इस सवाल को आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। बस प्रतिरोध निकालो, प्रतिरोध के बाद तो बहुत इजीली हम इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत डीपली हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया, तो प्लीज़ अगर इस तरह के सवाल आया तो गलती मत करना। चलो अगला सवाल देखते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम यहां पर आपका खत्म हुआ। देखो इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि ELCB का एक और दूसरा नाम क्या हो सकता है। ELCB आपने पढ़ा है, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था क्विज में। ELCB की फुल फॉर्म होती है आपके पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब देखो ELCB का एक और नाम क्या हो सकता है, ELCB क्या करती है कि जो अर्थ फॉल्ट आते हैं, ठीक है, जो अर्थ फॉल्ट सिस्टम के अंदर आते हैं, उन अर्थ फॉल्ट से हमारे सिस्टम की सुरक्षा करने का काम करती है कौन, ELCB करती है। अब इसका एक और नाम क्या हो सकता है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो ELCB का एक और नाम हो सकता है और वो नाम है RCCB। RCCB की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। देखो पहले के टाइम पे अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा के लिए हम ELCB का इस्तेमाल करते थे, बट आज के टाइम हम थोड़ा RCCB का इस्तेमाल करते हैं। ELCB पहले के टाइम में यूज की जाती थी, बट आज के टाइम में अर्थ फॉल्ट से अगर आपको प्रोटेक्शन देनी है अपने सिस्टम को, तो अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका, RCCB का। बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं, इतना हम डीपली इसके रीज़न को डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इतना आपको बता दूं कि देखो ELCB में क्या होता है, लाइन न्यूट्रल और अर्थ, ये तीनों आपस में इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। लाइन वायर भी जुड़ा होता है, यानी फेज वायर भी इसमें जुड़ा होगा, न्यूट्रल वायर भी जुड़ा होता है, और अर्थ वायर भी ELCB के साथ जुड़ा होता है। बट इसके अंदर देखो क्या है कि इसके अंदर केवल लाइन और न्यूट्रल ही आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो आपका ELCB एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, जबकि RCCB एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो ये थोड़ा सा इनके बीच में अंतर है। बट इतना सा आपको जरूर ध्यान रखना है कि पहले के टाइम पे ELCB के इस्तेमाल करते थे, आज के टाइम पे RCCB के इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आई है, MCCB की तो फुल फॉर्म आपको पता है, जो घरों में MCB इस्तेमाल करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCCB की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो MCCB की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में अगर पूछ ली जाए तो इसके बारे में भी जरूर लिख लेना। इसकी फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई MCCB की फुल फॉर्म बताओ, RCCB की फुल फॉर्म बताओ,
तो गलती ना हो इसीलिए मैंने इन दोनों के फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर बता दी कि एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जबकि आरसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये था आपका दूसरा सवाल। चलिए मूव करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। देखो इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि जो आपके इंडक्शन मोटर होती है, जो प्रेरण मोटर है, उसमें वायु अंतराल, वायु अंतराल मतलब एयर गैप, इस एयर गैप की लंबाई डीसी मोटर की तुलना में कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर होती है, और जो भी होती है वो क्यों होती है। सवाल में तो बस यही पूछा है कि कम या ज्यादा होती है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम होती है तो क्यों होती है, ज्यादा होती है तो क्यों होती है, बराबर रहती है तो क्यों होती है। जो भी इसका आंसर होगा वो रीजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले आंसर की तरफ मैं चलता हूँ। इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो चलो आंसर से पहले एक छोटी सी चीज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर इंडक्शन मोटर आपकी काम करती है। इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, आपको एक चीज पता होगी कि इसके अंदर स्टेटर होता है, ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर रोटर होती है। स्टेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो घूर्णीय प्रकार का होता है, जो घूमने वाला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RMF। RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स पर भी जाया करो, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो थोड़ी इंग्लिश में ही ज़्यादा सुनने में अच्छी लगती है, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। कभी कोई और एग्जाम भी आप देंगे तो थोड़ा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर देखो क्या होता है कि मान लो आपने कोई एग्जाम दी, वहां पर बायलैंग्वल पेपर है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो एग्जाम का अभी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना, वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि अगर हिंदी वाले पेपर में कोई गलती है तो जो उसका इंग्लिश वर्जन है उसको मान्य माना जाएगा। मतलब कोई सवाल है, हिंदी में भी छपा हुआ है, इंग्लिश में भी छपा हुआ है, अगर आप केवल हिंदी वाला सवाल पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई गलती है बट इंग्लिश वाले सवाल में कोई गलती नहीं है, तो आप बोनस की मांग नहीं कर सकते अथॉरिटी से। क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई भी त्रुटि होती है हिंदी वाले सवाल में, तो एक बार आप इंग्लिश वाले सवाल को पढ़ो, अगर वो बिल्कुल करेक्ट है तो उस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है, उसको मान्य माना जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश पर भी अपना ज़रूर ध्यान दिया करो। अच्छा, स्टेटर की बात होगी, रोटर की मैं बात करता हूँ। रोटर क्या होता है, घूमता है। अब रोटर क्यों घूमता है, रोटर इसीलिए घूमता है क्योंकि जो स्टेटर का ये जो RMF है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस रोटर के अंदर EMF इंड्यूस करता है। क्या करता है, इसके अंदर EMF इंड्यूस करता है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, इंडक्शन मोटर सेम हमारे उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। बस इतना सा अंतर है कि ट्रांसफॉर्मर घूमता नहीं है, ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है, इंडक्शन मोटर घूमती है। तो इंडक्शन मोटर का एक और फेमस नाम होता है, इंडक्शन मोटर को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या होता है, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये चीज़ भी ज़रूर अपने नोट्स में लिख लेना है कि रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर के नाम से किस मशीन को जाना जाता है। इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका प्रिंसिपल सब कुछ इसका सेम वही है जो ट्रांसफॉर्मर को होता है, बस इतना सा अंतर है कि ट्रांसफॉर्मर घूमता नहीं और ये घूमती है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेटर की वजह से इस रोटर के अंदर EMF इंड्यूस होगा, इनके आपस में फ्लक्स की लिंकेज होगी, बहुत सारा काम होगा और वो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। अब देखो आपने मान लो एयर गैप ज्यादा रख दिया। एयर गैप क्या होता है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया था, स्टेटर और रोटर के बीच में हम कुछ छोटा सा गैप रखते हैं। गैप इसीलिए रखा जाता है ताकि वो आपस में घर्षण ना करे, एक दूसरे से टकराए ना, मशीन को नुकसान ना हो, इसीलिए हम उसके अंदर कुछ गैप रखते हैं, उस गैप को हम बोलते हैं एयर गैप। अब वो एयर गैप हम कम इसीलिए रखते हैं
क्योंकि अगर मान लो आपने ज्यादा एयर गैप रख दिया तो क्या होगा कि स्टेटर से जो रोटर के फ्लक्स, रोटर की तरफ जो फ्लक्स आएगा, या हम बोल सकते हैं कि स्टेटर से रोटर का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा, क्योंकि आपने मान लो गैप ज्यादा रख दिया। ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, ठीक है। मान लो ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, यहां से यहां तक फ्लक्स आ रहा है, तो अगर आपने ये गैप ज्यादा रख दिया तो क्या होगा कि कुछ फ्लक्स इधर लीक होने लगेगा और रोटर तक बहुत कम फ्लक्स आ पाएगा, तो ये ढंग से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कम से कम इनके बीच में एयर गैप रखते हैं, ताकि कम से कम लीकेज हो, रोटर से रोटर के पास ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो। तो ये रीजन होता है प्रेरण मोटर में, यानी इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल की लंबाई को कम रखने को, और ये हमेशा डीसी मोटर से कम रखी जाती है। आई बात समझ। अगला सवाल, टाइम शुरू होता है अब। चलिए, टाइम यहाँ पर खत्म हुआ। देखो, इस सवाल में पूछा गया है कि भाई जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसके द्वारा मोटर को प्रारंभ करने पर प्रत्येक कुंडली पर प्रारंभ में प्रयुक्त वोल्टेज क्या होता है। तो एक बात ये समझ लेना कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर देखो क्या काम करता है कि जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ होता है, यानी कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा। जब मोटर एक बार स्टार्ट होगी अपनी रेटेड स्पीड की 70-80% स्पीड पर वो पहुंच जाती है, तो ये अपना कनेक्शन चेंज करके किस में चला जाता है, डेल्टा कनेक्शन में चला जाता है, यानी कुछ इस तरह पे चला जाता है। तो ये पूछा है कि भाई मोटर को प्रारंभ करते समय, मोटर के स्टार्टिंग के टाइम पर वोल्टेज कितना होता है। तो वोल्टेज जो भी होता है वो बराबर होता है इसके अंदर फेज वोल्टेज के, और आपको पता है कि फेज वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज अपॉन रूट थ्री होता है। तो स्टार कनेक्शन के अंदर, या फिर हम बोले स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपके VL अपॉन रूट थ्री। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर होगा, प्रयुक्त वोल्टेज होता है VL अपॉन रूट थ्री। चलिए अगला सवाल, टाइम शुरू होता है आपका अब। चलिए, टाइम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। देखो, इस सवाल में हमसे भाई ये पूछा गया है कि आपको चार विधियाँ यहाँ पर दी गई है, इन चार विधियों में से कौन सी विधि का, या कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करके हम किसी भी इंडक्शन मोटर की गति को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ याद नहीं रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, वो छोटा सा फॉर्मूला है कि भाई प्रेरण मोटर की गति क्या होती है। तो कई बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जब भी इंडक्शन मोटर की बात करें तो जो मोटर की स्पीड है वो क्या होती है, आपके रोटर की स्पीड। मैंने कई बार ये लाइन बोली है कि इंडक्शन मोटर के अंदर मोटर की स्पीड आपके रोटर की स्पीड के बराबर होती है, और इंडक्शन मोटर के लिए रोटर की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो रोटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास NR इज इक्वल टू NS इंटू 1-S। अब देखो, NR मोटर की स्पीड किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, स्लिप पर डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ तुल्यकालिक गति पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड कर रही है। तो यहां से NS अगर मैं लिखूं तो NS इज इक्वल टू होता है मेरे पास 120 F/P, यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित कर दूं तो तुल्यकालिक गति भी चेंज हो जाएगी, अगर मैं ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित कर दूं तो तुल्यकालिक गति तब भी परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ही तुल्यकालिक गति परिवर्तित हुई तुरंत मोटर की स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो
फ्रीक्वेंसी चेंज करके, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके, ध्रुवों की संख्या और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज करके आप तुल्यकालिक गति को बदल सकते हैं। और एक बार जब आपने तुल्यकालिक गति को बदल दिया तो उसके बाद आप किसी भी प्रेरण मोटर की गति को चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर हमारा आंसर होगा कि भाई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों यहां पर करेक्ट है। भाई आई समझ में, बिल्कुल बेसिक से चले हम, कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया यहां पर, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला है उससे हमने ये जाना है कि किस तरह आप क्या काम करके मोटर, आपकी कोई भी इंडक्शन मोटर उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को ये दो फॉर्मूले नहीं पता तो मुझे ये लगता है कि उसने इंडक्शन मोटर का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, क्योंकि इंडक्शन मोटर के चैप्टर में ये दो सबसे बेसिक चीज़ें हैं। सबसे बेसिक शुरुआत होती है यहाँ से, उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पर। आपको सिंक्रोनस स्पीड और मोटर की स्पीड का फॉर्मूला तो जरूर याद होना चाहिए अगर आप इंडक्शन मोटर के सवाल करना चाहते हैं, वरना बेकार है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। देखो डायरेक्ट ये डेटाबेस क्वेश्चन है, मेजरमेंट में अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो मीटर और रिले के अंदर सीटी का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सेकेंडरी करंट क्या होनी चाहिए या उसका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए। तो ये सीधा एक प्रैक्टिकली डेटा है, प्रैक्टिकली यही डेटा है कि भाई मीटर और रिले में जो हम सीटी इस्तेमाल करते हैं उस सीटी की जो सेकेंडरी की करंट है वो सेकेंडरी की करंट हम मोस्टली 5 एम्पियर की इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर मिलेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी की, भाई जो सीटी इस्तेमाल किया जाता है उसकी सेकेंडरी करंट कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना, बहुत अच्छा सवाल है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, तो गलती मत करना इस सवाल के अंदर। चलिए इस सवाल में भाई ये पूछा गया है कि एक ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग हमें दे रखी है, रेटिंग कितनी है 500 केवी है, और वो कितने फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है। अब आपने क्या कर दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाकर 100 हर्ट्ज कर दिया, तो अब इसकी केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी आपसे यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। तो पहले तो ये जानो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा वोल्टेज को अप डाउन करता है, करंट के साथ वो कोई भी चेंज नहीं करता। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक आपको सबसे बेसिक चीज़ पता होगी कि ट्रांसफॉर्मर के लिए वी बाई एफ का रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज है और ट्रांसफॉर्मर की जो फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों का रेशो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है किसी भी एक ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों की मैं बात करता हूं, आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पहले 400 थी, इसको घटाकर आपने 100 कर दिया, ठीक है। तो इसको चलो मैं केवीए रेटिंग है, आप देखो जो केवीए रेटिंग होती है वो मोस्टली आपके वोल्टेज पर ही डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि करंट के साथ तो ट्रांसफॉर्मर कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर हमेशा वोल्टेज को अप डाउन करता है और वोल्टेज के अप डाउन के हिसाब से आपकी करंट भी अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो इसको मैं V1 मान सकता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ये मेरा F1 है, इसको मैं V2 मान लूँ और इसको मैं F2 मान लूँ, ठीक है। तो V बाई F कॉन्स्टेंट है, यानी मैं लिख सकता हूँ ना V1 बाई F1 इज इक्वल टू V2 बाई F2। यहाँ से देखो 500 बटे 400 बराबर, इसको चलो मैं x मान लेता हूँ, x बटे 100। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 125, और ये क्या है आपके ट्रांसफॉर्मर की नई केवीए रेटिंग। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी की, भाई जो ट्रांसफॉर्मर की नई केवीए रेटिंग वो कितनी है, 125 केवीए। सिंपल, जब भी इस तरह का सवाल आया आपको कुछ नहीं करना,
यहाँ पर देख लो 400 से 100 हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी 1/4 गुना होगी। तो सीधे सीधे इस केवीए रेटिंग को भी आप 1/4 गुना कर दो, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम यहां पर आपका खत्म हुआ। देखो बकोल्स रिले का उपयोग होता है, बकोल्स रिले का इस्तेमाल हम किस ट्रांसफॉर्मर में करते हैं? तो भाई बकोल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं हम ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर के अंदर। किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम बकोल्स रिले का? ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर के अंदर। बकोल्स रिले देखो क्या करती है, बकोल्स रिले करती है ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के अगर कोई इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर के अंदर आके, तो उस ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम बकोल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं। पावर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने आपको चीज़ बताई थी कि बकोल्स रिले आपके यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम का एक एग्जाम्पल है। यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम यानी एक कुछ ऐसी हमारे पास रिले होती है, वो जिस यंत्र के अंदर लगी हुई है, जिस मशीन के अंदर लगी हुई है, केवल उसी को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर ऐसी कोई डिवाइस जो जिस जगह पर लगी हुई है, अगर ट्रांसफॉर्मर में लगी हुई, तो ट्रांसफॉर्मर की ही सुरक्षा करेगी, आसपास क्या हो रहा दुनियादारी में उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की प्रोटेक्शन स्कीम को हम बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम। एक होती है हमारे पास नॉन यूनिट, जो अपनी यूनिट तो की तो करती है, लेकिन आसपास वाली यूनिट की भी जो प्रोटेक्शन करती है, मतलब एक तरह समाज से भी आदमी मान लो, वो हमारे नॉन यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम होती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रख लेना, इस तरह के भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम इसके इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉल्ट आने पर क्या होगा कि उसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, उसके टैंक के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, वो ऑयल क्या करेगा, हीट करने लगेगा। अब जब वो ऑयल हीट करने लगेगा, तो ऑयल की हीटिंग की वजह से क्या होगी कि उसके अंदर गैसेस बनने लगेगी। वो गैस क्या करेगी कि पहले एक अलार्म सर्किट होता है, उस अलार्म सर्किट को बजा देगी, थोड़ा सा ये बता देगी, मतलब जो भी लोग वहाँ पर काम करेंगे, भाई फॉल्ट आने वाला, जल्दी से इसको ख़त्म कर दो। बट अगर फॉल्ट मान लो बहुत खतरनाक है, बहुत हाई सीवियरिटी का फॉल्ट है आपके, तो इसके अंदर एक ट्रिप सर्किट लगा होता है, तो तुरंत वो उसको ट्रिप कर देती है। फिर जो गैस बनी है, उस गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट के हिसाब से हम ये चेक करते हैं कि भाई फॉल्ट क्या था, कितनी सीवियरिटी का था, ये सारी बाकी चीज़ें उसके बाद चेक की जाती। तो अभी के लिए इतना सा ध्यान रख लो कि बकोल्स रिले का इस्तेमाल ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में हम करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम यहाँ पर आपका खत्म हुआ। देखो इस सवाल में हमसे ये पूछा गया कि एक ट्रांसफॉर्मर है N1 V1 दे रखा है, तो सेकेंडरी कोयल में 400 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए यानी V2 की वैल्यू हमें दे रखी है और N2 की वैल्यू हमसे पूछी है। ट्रांसफॉर्मर में तो आपको पता ही है भाई N2 बाई N1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 बाई V1। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जैसे इंडक्शन मोटर में होता था वैसे सबसे ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फॉर्मूला यही है। N2 हमें निकालना है, तो N2 चलो मुझे निकालना है। N1 कितना दे दिया 1000, V2 कितना है 400, V1 कितना है 250। ये गया इससे चार बार, ये चार इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जो N2 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 400 × 4 यानी 1600 टन। N2 की वैल्यू कितनी आई, 1600 टन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर। चलिए एक आखिरी सवाल, इस सर्किट का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक आपको कंप्लीट सर्किट दिया गया है, दो टर्मिनल है ए और बी, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या तुल्य प्रतिरोध होगा, ये हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात करना है।
ठीक है, दो 10-10 ओम के रजिस्टर लगे हुए, एक 5 ओम का है, उसके बाद दो 10-10 ओम के रजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे ये बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझो। ठीक है, सर्किट में यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ। तो चलिए एक बार सर्किट यहाँ पर हम छोटा सा ड्रॉ करते हैं कि ये आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है, इसके बाद ये आपका 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है और ये आपका 10 ओम है। ठीक है, इस तरह का आपके पास एक पूरा का पूरा यहाँ पर सर्किट है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये 10, ये 10, ये 5, ये 10 और ये 10। अब देखो इसके अंदर आगे समझो क्या सिचुएशन बन सकती है। देखो अगर मान लो इधर मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से अगर कोई करंट इसमें आती है, तो देखो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो 5 ओम में जाने का और इधर क्या मिला इसको, एक शॉर्ट सर्किट मिला। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जब भी करंट को शॉर्ट सर्किट पाथ मिलता है तो वो हमेशा शॉर्ट सर्किट में से जाती है। तो इधर से जो सारी की सारी करंट आएगी वो इधर चल जाएगी, यानी इस 5 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगी। सिमिलर अगर मैं इधर की बात करूँ तो इस साइड से जितनी भी करंट आएगी वो सारी की सारी इधर चली जाएगी, इस 5 ओम की तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगी। यानी अगर कोई करंट इस पॉइंट पर आती है, अगर देखो मान लो यहाँ पर 1-2 ओम का कुछ रजिस्टर लगा होता तो कुछ इधर करंट आती, कुछ इधर करंट आती, ये तो बिल्कुल 0 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब क्या है 0 ओम लगा हुआ है। तो एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जब भी इस तरह से मान लो ये रजिस्टर है और ये आपका शॉर्ट सर्किट है और यहाँ से कोई करंट आ रही है, तो करंट इधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इधर जाने वाली करंट क्या होगी, 0, सारी की सारी करंट आपकी इधर से निकल जाया करेगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी आपकी करंट है वो सारी की सारी शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगी अगर इधर की बात करूँ तो, और अगर इस साइड की मैं बात करूँ तो जितनी भी आपकी करंट है इस शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगी, मतलब इस 5 ओम के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। देखो एक क्विज मैंने करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह पता चलता है कि चीज़ें सीरीज में है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर करंट आकर दो भागों में बट रही, इसका मतलब वो दोनों भाग एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट है और ये जो 5 ओम है, आप देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन मान सकते हो कि मान लो यहाँ से कोई करंट आ रही है, अब इस करंट को यहाँ पर दो रास्ते मिले, एक तो इधर का और एक इधर का, तो इधर वाले रास्ते में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ की तरफ जाती है, तो सारी की सारी करंट आपके इधर से निकल जाएगी। तो इधर जो भी करंट है वो इधर से निकल जाएगी, इधर वाली करंट है वो इधर से निकल जाएगी, मतलब 5 एम्पियर के अक्रॉस हम 5 ओम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस हमारे कोई भी करंट नहीं मिलेगी। ये बात हमें बिल्कुल पक्के से समझ में आ गई। तो क्या कर सकता हूँ मैं कि इस 5 ओम को यहाँ पर बिल्कुल हटा सकते हैं हम। अब देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10/2 यानी 5 ओम। ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10/2 यानी 5 ओम। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका 1 5 ओम है, ये आपका दूसरा 5 ओम है, ये दोनों 5 5 ओम के अब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर हमें क्या मिलेगा, 10 ओम, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। कुछ मत करो, बस ये शॉर्ट सर्किट हटा दो, ये शॉर्ट सर्किट हटा दो, सॉरी ये 5 ओम है जो कनेक्टेड है वहां पर, उस 5 ओम को आपको रिमूव करना है, बाकी आपका सेम वही क्वेश्चन है, इधर 5 ओम, इधर 5 ओम, इसके बाद ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा वो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 10 ओम। आ रही बात समझ में, कैसे पूरा सवाल किया, आई थिंक आपके क्लियर होगा। तो ये था हमारा एक क्विज हमने यहाँ पर सॉल्व की, टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्विज है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करे, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।